अरे टू कार्बन है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। मैंने कहा कि पायरिक एसिड तीन कार्बन का था, इसने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है? दो कार्बन का। तो मैंने ये कहा कि यहां से अब देखा जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव हो गया। क्या रिमूव हो गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तो इसका मतलब तीन कार्बन वाले पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ये बना है, जो कि उस दौरान अगर देखा जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, इसका मतलब एक कार्बन कम हो गया। हाँ या ना? Yes, और एक कार्बन कम हो गया तो इसका मतलब दो कार्बन वाला रह गया, दो कार्बन वाला रह गया तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ये है। क्लियर है? हाँ सर। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला क्या होगा पायरुविक एसिड का? C3H6O3 ये होगा सर। क्या हुआ? हाँ बोले सर। ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो है उसको हम लोग इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, दैट इज एन इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं इसी को। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल गया। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला उस दौरान अगर देखा जाए तो एक NADH भी फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? हाँ जी, यहाँ पर हुआ NADH और यहां पर भी NADH फॉर्म हुआ है। इसका मतलब यहां पर NAD+ यूज हुआ था और फॉर्म हुआ है NADH। यहां तक क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? ओके। अब अगर ये बताइए कि एक तो पायरुविक एसिड से क्या चीज रिमूव हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या रिमूव हुआ है? NADH। नहीं भाई, NADH में तो NAD बाहर से आया था, वो तो हाइड्रोजन लेके निकला है, तो इस पायरुविक एसिड से क्या निकला है? हाइड्रोजन। दैट इज हाइड्रोजन। तो एक तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है पायरुविक एसिड से और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है। हाँ या ना? जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को। हाँ जी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दैट इज एन ऑक्सीडेशन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ दैट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन तो हो नहीं रहा, यहाँ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा काम हो रहा है यहाँ पे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज नोन एज डी कार्बोक्सीलेशन। तो इस स्टेप को आपने क्या नाम दे दिया? ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सीलेशन। ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सीलेशन। ऑक्सीडेशन क्यों नाम पड़ा इसका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डीकार्बोक्सीलेशन क्यों नाम पड़ा इसका? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए कि ये है डी, डी जिस वर्ड में लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल। कार्बोक्सीलेशन की बात कर लें तो कार्बोक्सीलेशन का मतलब हुआ डेट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डेट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, तो डेट इज अ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन डी कार्बोक्सीलेशन इस स्टेप का नाम हो गया। क्लियर है बात? यस सर। ओके, अब आइए आगे। फाइनली क्या बन गया है ये? अब क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में यूज होगा? दैट इज अ क्रेब्स साइकिल में। किस में यूज होगा? क्रेब्स साइकिल।
और क्रेब्स साइकिल कहां पे चल रही है? हाँ जी, ये कौन सी जगह है? दैट इज अ मैट्रिक्स में। और जब क्रेब्स साइकिल चल रही है इस तरीके से, ये चल रही है क्रेब्स साइकिल, ये चल रही है क्रेब्स साइकिल, जब ये क्रेब्स साइकिल चल रही है तो उस दौरान बनेंगे तीन एन ए डी एच। एक बनेगा एफ ए डी एच टू, एक बनेगा ए टी पी, और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यानी ये एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे? दो। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने रिलीज हो जाएंगे? दो। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये बताइए ओवरऑल क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने एटीपी फॉर्म हो रहे हैं? कितने? 24। नाइन। हाँ जी, तो देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तीन एनएडीएच थे। एक एनएडीएच कितने एटीपी के बराबर था? पहले बता चुका हूँ, दैट इज थ्री के, थ्री के। तो थ्री थ्री जा, दैट इज थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू नाइन। एक एफएडीएच टू कितने एटीपी के बराबर था? दो के। तो दैट इज आर टू इंटू वन इज इक्वल टू टू। और एक एटीपी ऑब्वियस बात है वन के बराबर है, तो इसका मतलब टोटल एटीपी कितने हो गए? That is a 12 ATP हो गए। यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब एक क्रेब्स साइकिल से 12 ATP फॉर्म हो रहे हैं। That is a 12 ATP फॉर्म हो रहे हैं। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? Yes, ये बताइए पायरुविक एसिड बने कितने? टू। जब पायरुविक एसिड दो बने हैं तो ऑब्वियस बात है एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनेंगे? टू बनेंगे। क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी? दो बार। इसका मतलब जब ये दो बार चलेगी तो टोटल एटीपी कितने बन जाएंगे? 24 एटीपी। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नहीं है? यस सर। अच्छा, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, और क्या बात हो गई, और क्या बात हो गई? 24 एटीपी हो गया। तो इस क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर देखा जाए तो कितने एनएडीएच बन रहे थे? तीन। एफएडीएच टू बन रहा था एक, एटीपी बन रहा था एक। यहाँ तक एनएडीएच एटीपी से ही बनते हैं। हाँ जी, एनएडीएच एटीपी से ही बनते हैं। बस ये समझ लो कि अगर एटीपी इंडियन रुपए की तरह है तो एनएडीएच आपका यूरो की तरह है, एफएडीएच टू डॉलर की तरह है। इसका मतलब अगर एक एफएडीएच टू आप खर्च करेंगे तो आपको दो एटीपी मिल जाएंगे, अगर एक एनएडीएच आप खर्च करते हो तो आपको तीन एटीपी मिल जाएंगे। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है कहानी या नहीं है? यस यस सर, बताइए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए एक बार और जरा इसको थोड़ा सा देख लीजिए सारा। देखिए यहां से आप पूरा इसको एक बार देख लीजिए। देखिए यहां पे हुआ क्या कि सबसे पहले यानी इसको मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है। ये मैंने कहा कि सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे? दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने फिलहाल पढ़ा है अभी एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन है? एरोबिक। मैंने कहा यह है ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड के अंदर। जब पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज तो इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया है? दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। समझ रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप का प्रोसेस है? 10 स्टेप का। ग्लाइकोलिसिस में हो क्या काम रहा है? हाँ जी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जब हो रहा है तो इसका मतलब एक ग्लूकोज से क्या बन रहा है? दैट इज अ पायरुविक एसिड।
क्या बन रहा है, दैट इज पायरुविक एसिड। क्या यहाँ तक क्लियर है ये बात? ओके, तो मैंने कहा जिस वक्त ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है उस दौरान कितने एटीपी यूज हो रहे हैं? दैट इज 2 एटीपी यूज हो रहे हैं। और फॉर्म क्या क्या हो रहा है? NADH and 4 ATP. NADH and 4 ATP यूज हो रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद देखा जाए तो मैंने कहा अगर ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर कंक्लूजन देखूं, ठीक है, कंक्लूजन का मतलब है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने एटीपी का फायदा है, तो बताएंगे जरा कितने एटीपी का फायदा है? हाँ जी बताइए जल्दी से कितने एटीपी का फायदा है। अच्छा चलिए ये बताइए कि 4 एटीपी ये वाले हो गए सर, बने थे एटीपी का फायदा। तो देखिए अगर देखा जाए तो 4 एटीपी ये हो गए प्लस एनएडीएच कितने बने थे? दो। एक एनएडीएच कितने एटीपी के बराबर है? हाँ जी थ्री। एक एनएडीएच कितने एटीपी के बराबर है? दैट इज कितने? तो इसका मतलब 6 ही होगा। तो इसका मतलब टोटल कितने एटीपी होगा? 10 एटीपी। क्लियर? 10 एटीपी में से कितने यूज हो गए? 2। दैट इज 2 यूज हो गए। तो 10 माइनस 2 हो गया। क्लियर है? 8। तो नेट फायदा कितने एटीपी का हुआ? 8 एटीपी का। क्लियर है? यस सर। अब आगे आ जाइए, इसके बाद यहाँ पर देखें तो एनएडीएच कितने बने थे जरा बताइए जल्दी से। सर 2। 2 क्योंकि एक पायरुविक एसिड से जब एक एसिटाइल को एंजाइम ए बना है तो उस दौरान अगर देखा जाए तो एक एनएडीएच बना है, लेकिन जैसा कि पायरुविक एसिड 2 बने हैं तो इससे 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बने, जब 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बने हैं तो 2 एनएडीएच बना है। क्लियर है? एनएडीएच कितने बन गए? 2 बन गए। 2 जब 2 बन गए तो इसका मतलब यहां से कितने एटीपी का फायदा हो गया? 6 एटीपी का। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? सर यहां पे एनएडीएच को किसने बनाया? ये पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा था उस दौरान एनएडीएच बना है। तो यानी इस वाले स्टेप में ये जो रिएक्शन है जिसको हमने नाम दिया है ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन, इससे 2 एनएडीएच बने हैं। जब 2 एनएडीएच बने हैं तो इससे कितने एटीपी का फायदा हो गया? 6 एटीपी का। और यहां से कितने एटीपी का फायदा हो गया था? एक क्रेब्स साइकिल से कितना एटीपी का फायदा था? 12। 2 क्रेब्स साइकिल से कितने का फायदा हो जाएगा? 24। तो अब जरा देखिए कि टोटल ओवरऑल कितने एटीपी का फायदा हो गया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जरा काउंट करिए। तो अगर देखा जाए तो 10 ये हो गए, वो 10 कह रहे हैं कि 10 क्यों होगा, दैट इज एन 8 ये हो गए, ठीक है। 8 के साथ में ये कितने का फायदा हुआ? 6 का फायदा हुआ। और 6 का जब ये फायदा हुआ है तो 12 × 2 तो टोटल जरा देखिए कितने। 28। हाँ जी 38 कितने होगा? 38। तो दैट इज एन 38 एटीपी का फायदा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर, क्या बात समझेंगे ये समझ लीजिए, ये जो एनएडीएच बना था ये वाला, कितने एनएडीएच है ये? 2 एनएडीएच। अभी तो ये एक एनएडीएच 3 एटीपी के बराबर होता है और कभी ये NADH 2 एटीपी के बराबर होता है, बात समझ रहे हैं? यानी ये जो बाहर वाले NADH हैं वो कभी तो 3 एटीपी के बराबर होंगे और कभी कितने एटीपी के बराबर होंगे? 2 एटीपी के। अगर 3 एटीपी के बराबर था, कितने एटीपी के बराबर था? 3 एटीपी के बराबर था, तब ये कितने एटीपी बने टोटल? 38। अगर 2 एटीपी के बराबर होता तो कितने बनते जरा बताइए? 28। हाँ भाई, अगर ये 2 एटीपी के बराबर होता तो कितने बनते जरा देखिए टोटल करके। 6 + 6 + 24 = 36 एटीपी बना।
तो आप जब का रिएक्शन लिखते हैं रेस्पिरेशन का, तो आप लिखते हैं कि दैट इज अ C6H12O6+6O2 लिखते हैं, और फिर आप लिख देते हैं दैट इज अ 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 36 या 38 एटीपी। हाँ या ना सर? हाँ बोले। यस सर, तो बस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में NADH 2 या 3 एटीपी हो सकते हैं या अलग से भी, जैसे पाइरूविक एसिड भी चेंज हो? समझ में नहीं आया सर। ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस में 2 मतलब NADH को हम 3 एटीपी या 2 एटीपी मान रहे हैं जी, तो ये बस इसी प्रोसेस में हो सकता है या फिर बस इसी में होगा, इसके अलावा नहीं। एक आम तौर पे देखा जाए तो ये NADH 3 एटीपी के बराबर है, ये सही बात तो ये वाली है। ठीक है, सही बात तो ये है कि ये NADH 3 एटीपी के बराबर है। यहां तक क्लियर हो गया? यस। ये रेस्पिरेशन कौन सा था? एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज एन एनएरोबिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहे बल्कि, नॉट रिएक्शन। दैट इज एन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो यहां पर मैंने कहा कि एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा कि पहली बात एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ कहां पे रहे हैं, तो चलिए हमने पढ़ा बेसिकली ईस्ट के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब ईस्ट में क्या पढ़ रहे हैं ये भी देख लीजिए। तो ये क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा सबसे पहले बताइए जल्दी से? पाइरूविक एसिड के अंदर। अभी क्या वजह है यार ये? हाँ जी, तो आपने क्या बताया? डेट इज अ पाइरूविक एसिड। तो पाइरूविक एसिड बनेंगे कितने? दो। यूज कितने होंगे भाई एटीपी? दैट इज टू। फॉर्म क्या क्या होगा जल्दी से बताइए? टू एनएडीएच, दो एनएडीएच फॉर्म होगा, और दो एटीपी, और चार एटीपी फॉर्म हो जाएंगे। दैट इज अ 4 एटीपी फॉर्म हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? यस यस सर। अच्छा ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ईस्ट की। ईस्ट की। यहाँ का सेल कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। और जब प्रोकैरियोटिक सेल है तो क्या यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है? हाँ जी बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर? बताइए जल्दी से। तो मैंने कह दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा? नहीं सर। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्रेब साइकिल दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके, जब ये एब्सेंट है तो क्या एनएडीएच एटीपी में कन्वर्ट होगा? यस सर। नहीं होगा, क्योंकि NADH ATP में कन्वर्ट कहां पे होता था? इस वाली साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ही नहीं तो NADH ATP में कन्वर्ट होगा? नो सर। तो इसका मतलब ये बेकार है। आया ना? यस सर। ठीक है, जब ये अभी पाइरूविक एसिड अब चेंज हुआ बेसिकली एसिड एल्डिहाइड में, इसमें चेंज हुआ है एसिड एल्डिहाइड,
समझ रहे हैं, और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो मुझे ये बताइए पाइरूविक एसिड में कितने कार्बन? थ्री कार्बन। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो कितने बचे रह गए? टू कार्बन। एसिड एल्डिहाइड अब फर्दर चेंज हो जाएगा इथेनॉल में। किसमें चेंज होगा? इथेनॉल में। कितने कार्बन है इथेनॉल में? टू कार्बन। क्लियर है बात? इथेनॉल, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो मैंने कहा कि दिस वन इज ग्लूकोस, और ग्लूकोस अगर देखा जाए तो ग्लूकोस लास्ट में किसमें कन्वर्ट हुआ है? दैट इज इन इथेनॉल में। इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड निकला है? नहीं निकला है? निकला है सर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। प्लस ये बताइए कि कितने एटीपी यहाँ पर टोटल फॉर्म हुए हैं, जरा बताइए टोटल एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने कहा कि 4 - 2 = 2 ATP, यानी 4 - 2 = 2 ATP, दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। ये बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस है। तो इसका मतलब ओवरऑल कितने एटीपी का फायदा हुआ? दैट इज 2 ATP का। तो ये रहा 2 ATP। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। ये क्या बना था? ये वाला, ये क्या बना था? NADH। NADH इस वाले स्टेप में यूज हो जाएगा, यहां पे यूज हो जाएगा NADH, समझ रहे हैं? और जब NADH यूज हो जाएगा तो इसका मतलब NADH भी खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। बताइए। तो ये बताइए NADH क्या वर्क कर रहा है यहाँ? NADH बेसिकली, बस ये समझ लो कि अगर ये यूज नहीं हुआ NADH यहाँ पर इस स्टेप में, तो NADH तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, समझ रहे हैं? इकट्ठे होते रहेंगे क्योंकि यूज तो हो नहीं रहा NADH। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी ये कोई भी चीज बेकार है। तो ये जो NADH बना है ग्लाइकोलिसिस में, वो NADH यूज हो जाएगा इस वाले स्टेप में, जहां पर एसिड एल्डिहाइड किसमें चेंज हो रहा है? इथेनॉल के अंदर। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? जल्दी बताइए सर। यहाँ पे कुछ तो कर रहा होगा ना NADH? हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, समझ रहे हैं? यहां मैंने लिख दिया है डोनेट हाइड्रोजन। तो NADH क्या डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। आगे बढ़ जाऊं, ये यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। ओके, और ये बेसिकली वाइन है, इथेनॉल। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन मसल्स, किसके अंदर? मसल्स के, मसल्स के अंदर। ये आपका क्या है? ग्लूकोस। किसमें कन्वर्ट होगा? पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड के अंदर। जब पाइरूविक एसिड के अंदर चेंज होगा तो इसका मतलब कितने एटीपी यूज होंगे? 2 ATP। कितने एनएडीएच बनेंगे? 2 एनएडीएच। और कितने एटीपी? 4 ATP। हाँ या ना? यस सर। और इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? ग्लाइकोलाइसिस। That is a glycolysis. Net फायदा कितने एटीपी का हो जाएगा, जल्दी से बताइए? 2 That is a 4 - 2 = 2 ATP का फायदा हो गया, हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. पाइरूविक एसिड के अंदर कितने कार्बन? 3 3 ग्लूकोस में कितने कार्बन? 6 पाइरूविक एसिड कितने बनेंगे? 2 2 क्लियर? अब yes, sir. जब पाइरूविक एसिड 2 बन जाएंगे तो अब पाइरूविक एसिड फर्दर बनाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन? 3 3 कार्बन। क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? यस सर, निकलेगा। बिल्कुल भी नहीं निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब 3 कार्बन पाइरूविक एसिड में थे तो 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया लैक्टिक एसिड, तो कहां से कार्बन निकलेगा भाई? यस सर, नहीं निकलेगा। और यहां पर ये फाइनल रिएक्शन यहां तक कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो इसको लिख दिया मैंने, दैट इज ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टिक एसिड प्लस कितने एटीपी का फायदा हुआ? दैट इज 2 ATP का।
और 2 ATP का जब फायदा हुआ है तो ये NADH इस वाले स्टेप में यूज हो जाएगा, यहाँ पे यूज हुआ, क्या डोनेट कर, हाइड्रोजन डोनेट कर देगा इस स्टेप में। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक या नहीं आ रही? यस सर। जल्दी बताइए, तो दिस इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ या ना? यस सर। तो मसल सेल के अंदर जब लैक्टिक एसिड बन रहा है तो क्या उस दौरान ये बताइए कि क्या उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, लैक्टिक एसिड एक ग्लूकोज से कितने बनेंगे? एक ग्लूकोज से कितने बनेंगे? टू सर। तो दो पाइरूविक एसिड बने तो ऑब्वियस बात है कि दो लैक्टिक एसिड बन जाएंगे। क्लियर है बात? दो लैक्टिक एसिड बनेंगे एक ग्लूकोज से। एक और खास बात जरा इस वाले स्टेप में बताइए कि एक ग्लूकोज से कितने इथेनॉल बनेंगे? टू, दैट इज टू इथेनॉल बनेंगे और दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। टू एटी है, दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गई बात? यहां तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। एक बार देख लीजिए इसको और अच्छे से, ये देख लीजिए, यहां तक दिखाई दे रहा है? तो ये रेस्पिरेशन कौन सा वाला था? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। और इससे पहले वाला कौन सा रेस्पिरेशन था? एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहां तक सभी लोगों को समझ में आई बात या नहीं आई है? यस सर। ठीक है, ओके।